नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर हथियार के साथ दो आरोपियों के पकड़े जाने से संबंधित है। इस संबंध में डीएसपी किशोर कुमार तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत साक्षरता चौक के आसपास किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर पंकज दुबे, थाना प्रभारी जिरवाबाड़ी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा छापामारी कर रंजीत प्रसाद माली जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल जो वर्तमान में जिरवा बाड़ी स्थित शत्रुगढ़ जयप्रकाश नगर साहिबगंज अपने मामा शिवा मालाकार के यहाँ रहता है कि जींस के बाएं पॉकेट से 1.8 मिलीमीटर का दो जिंदा गोली, अपाची बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल तथा इनके निशादेही पर आनंद मंडल बड़ा जिरवाबाड़ी चानन थाना जिरवाबाड़ी जिला साहिबगंज के घर में बिस्तर के नीचे पितल एवं लोहे का बना देशी कट्टा तथा कपड़े में लपेटा हुआ 7 जिंदा गोली बरामद कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपित को जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 11/10/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को एक सूचना मिली कि ग्राम चानन में अज्ञात व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा ही एक टीम गठित की गई जिसमें थाना प्रभारी पंकज कुमार दुबे, कुंवर लव कुमार सहनी, संजय कुमार जिरवाबाड़ी थाना एवं सशस्त्र बल एवं चालक के ग्राम चांद जाकर छापामारी की गई। तो रंजीत प्रसाद माली शत्रुगढ़ तथा आनंद मंडल जो कि चानन जिरवाबाड़ी के हैं उनके पास से एक देसी कट्टा, एक 9mm का नौ जिंदा गोली, 1.8mm का नौ जिंदा गोली, टेक्नो को ब्लू रंग का एंड्रॉइड फोन, सफ़ेद काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई। और इस संबंध में थाना प्रभारी जिरवाबाड़ी थाना द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ कर उन पर FIR कर और मंडल कारा भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लोग हथियार कहाँ से लाए, कुछ मामले में जानकारी सामने आई है? अभी तक हम लोग छानबीन कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है कि हथियार कहाँ से लाई गई है, लेकिन हम लोग इस संबंध में भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मंशा क्या थी सर? सर मुख्य उद्देश्य क्या था सर हथियार नहीं पकड़ाया? मुख्य उद्देश्य कुछ त्योहार के अवसर पर लोगों को डराना धमकाना या लूटपाट की कुछ प्रयोजन था जिसके कारण सुबह लोग हथियार लेकर घूम रहे थे। अच्छा, पहले से भी लोग का कोई मैंने अपराधी के इतिहास अभी नहीं है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर यदि होगा तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे।